हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़े चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक से, दैट इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो बोर्ड एग्जाम में इन एवरी ईयर रिपीट होता है, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उसको हम कंज्यूमर राइट्स ऐसा भी बोलते। सो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट्स ऑफ कंज्यूमर वॉज ब्रॉट बाय प्रेसिडेंट ऑफ USA जॉन एफ कैनेडी इन द ईयर 15th March 1962। ये राइट्स ऑफ कंज्यूमर किसने डिक्लेयर किया है? द प्रेसिडेंट ऑफ USA, दैट इज जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने राइट्स ऑफ कंज्यूमर को डिक्लेयर किया था। इन विच ईयर? इन 1962, 15th मार्च। तो 15th मार्च 1962 को यहाँ पे राइट्स ऑफ कंज्यूमर वॉज डिक्लेयर बाय जॉन एफ कैनेडी। स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर डिक्लेयर किए गए थे, दैट इज राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू रीड्रेस। लेटर ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ USA हैज डिक्लेयर एन नंबर ऑफ राइट, जो यहाँ पे हम देख रहे। सो वन बाय वन विल स्टार्ट विद द पॉइंट्स, बट बिफोर दैट व्हाई द राइट्स ऑफ कंज्यूमर हैज टू बी लर्न, राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्यों हमें लर्न करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी नो अवर राइट्स देन कैन वी से द कंज्यूमर विल बी चीटेड लेस। अगर हमें अपने राइट्स के बारे में पता होगा तो हम चीट कम हो सकते, यस और नो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अवर राइट्स ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि राइट्स ऑफ कंज्यूमर ये क्यों बनाया गया है? बिकॉज सेलर्स मैन्युफैक्चरर्स आर चीटिंग अस ऑन डेली बेसिस। सो इट इज ऑल्सो सेड राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर इंटीग्रल पार्ट और इंटरनल पार्ट ऑफ अवर डे टू डे लाइफ, क्योंकि ये किधर ना किधर हमसे कनेक्टेड होते। जैसे हम क्वेश्चन को लर्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा हाउ इट इज कनेक्टेड टू अवर डेली लाइफ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अवर ओन राइट्स ऑफ कंज्यूमर अगर हमें चीट कम होना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, दैट इज राइट टू सेफ्टी। अभी ये पॉइंट हमने क्या बताता है? राइट टू सेफ्टी। कैन वी से इट इज राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू गेट सेफ प्रोडक्ट? इट इज राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू गेट अ सेफ प्रोडक्ट, यस और नो? ये कंज्यूमर का राइट है कि उनको कोई भी प्रोडक्ट जब सेलर मार्केट करता है या सेलर प्रोडक्ट सेल करता है तो उनको क्या मिलना चाहिए? सेफ प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अनसेफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी मार्केटेड बाय सेलर मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर। सो अगेन, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट इज राइट टू सेफ्टी। हम अगर एग्जाम्पल लेंगे तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मार्केट में अनसेफ तरीके से सेल आउट किया जाता है और एल्स वी कैन से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता, सो अगेन इट कैन हार्म अ कंज्यूमर। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्वीट्स, जिसमें अगर हम स्वीट सेल आउट करते हैं, सेलर आपको स्वीट सेल आउट करता है, मेनी टाइम वो फ्रेश नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कंज्यूमर को फूड पॉइजन होता है। सो अगेन इट इज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू गेट अ सेफ प्रोडक्ट, बट ये राइट किसको पता होना चाहिए? कंज्यूमर को पता होना चाहिए। अगर कंज्यूमर को पता होगा तभी जाके वो क्या कर सकता है? एक्शन ले सकता है टू दैट सेलर विद द हेल्प ऑफ राइट टू सेफ्टी। नाउ सेकेंड पॉइंट, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। यस, इट इज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू गेट कंप्लीट, करेक्ट, accurate and timely information. Again I repeat, it is a right of a consumer to get complete, correct, accurate and timely information. Yes or no? अभी आप सोचो कि information किसके बारे में देना? तो yes, seller has to give information regarding the product quality, quantity, features, plus point, minus point, side effect के बारे में, ये सब price के बारे में, competition के बारे में, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, ये सबके बारे में इंफॉर्मेशन देना ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। बट ये इंफॉर्मेशन हमें मिलना चाहिए, ये किसको पता होना चाहिए? दैट इज टू द कंज्यूमर। इफ कंज्यूमर नो कि इट इज अवर राइट टू गेट करेक्ट इंफॉर्मेशन, टू गेट टाइमली इंफॉर्मेशन, द
तभी जाके वो क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। बट जब तक हमें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम कोई भी एक्शन लेंगे, आंसर इज नो। सो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर शुड गेट राइट इंफॉर्मेशन एज पर द मार्केट सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू चॉइस। यस अगेन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज अ राइट टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट एज पर अवर टेस्ट, एज पर अवर परचेसिंग पावर, एज पर अवर चॉइस। ये किसका राइट होना चाहिए? कंज्यूमर का राइट होना चाहिए। कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो सिलेक्शन का ऑप्शन किसके पास होना चाहिए? कंज्यूमर के पास होना चाहिए। इट शुड नॉट बी विद द सेलर, राइट? सेलर शुड नॉट फोर्स अ कंज्यूमर टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सेलर को फोर्स नहीं करना है कंज्यूमर को कि आप यही प्रोडक्ट परचेस करो। वो चॉइस किसके पास होना चाहिए? कंज्यूमर के पास होना चाहिए कि उसको वो प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं। सेलर शुड नॉट फोर्स बायर टू परचेज अ प्रोडक्ट। सो अगेन ये राइट किसको पता होना चाहिए? कंज्यूमर को पता होना चाहिए। सिलेक्शन का ऑप्शन किसके पास होना चाहिए? कंज्यूमर के पास होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन हमें पता होगा तो ऑफकोर्स मार्केट में मोनोपोली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टू अवॉइड मोनोपोली द राइट टू चॉइस शुड बी इम्प्लीमेंटेड। और अगर ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल बी चीटेड लेस। नेक्स्ट, राइट टू हर्ट। यस इफ वी टॉक अबाउट राइट टू हर्ट तो इट इज अगेन द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू गिव कंप्लेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द प्राइस, टू होम, टू द सेलर। कंज्यूमर का राइट बनता है कि कंज्यूमर को कोई भी कंप्लेंट करना होगा तो उनका हक होगा, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। That right is rest with whom? Rest with the consumer. Even consumer can give the suggestion about the product quantity, quality, packing, way of selling the product. ये सब के बारे में भी suggestion कौन दे सकता है? The consumer can give. ये option और ये right किसके पास है? Consumer के पास है. So again, right to heart is a responsibility of a consumer. But again, इसके बारे में information and awareness कंज्यूमर के पास होना चाहिए। सो यस स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो से समझ में आ रहा है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माय कंसेप्ट एंड द कंसेप्ट ऑफ द आंसर, देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल दिस वीडियोस एंड गिव द सपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, राइट टू रीड्रेस। अभी जब तक हमने कंप्लेन किया तब तक हमें समझ में आता है कि यस माई कंप्लेन इज रजिस्टर्ड। मैंने एक पर्टिकुलर सेलर को कंप्लेन किया, वो सेलर तक कंप्लेन रजिस्टर तो हो चुका, बट सिर्फ रजिस्ट्रेशन से जस्टिस मिलेगा? सिर्फ रजिस्टर किया जस्टिस मिला ऐसा है क्या? नो, उसके साथ हमें क्या मिलना चाहिए? सॉल्यूशन भी मिलना चाहिए। सो राइट टू रीड्रेस, रीड्रेस का मतलब क्या होता है? टू सॉल्व, टू गेट सॉल्यूशन। सो अगेन इट इज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द कंप्लेन विच इज रजिस्टर्ड, यस और नो? तो अगेन सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसलिए आप ये दोनों पॉइंट को कनेक्टेड रखो। अगर आपने कंप्लेन किया है तो उसके साथ आपको क्या मिलना चाहिए? रिड्रेसल, दैट इज सॉल्यूशन भी मिलना चाहिए, तभी जाके आपको कंप्लीट एंड फेयर जस्टिस मिलेगा। अगेन इट इज अ राइट ऑफ अ कंज्यूमर। इवन यू कैन इंक्लूड कि यहाँ पे देर आर सर्टन फोरम्स लाइक डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। वो फोरम में आपके जो भी कंप्लेंट्स होंगे उसका आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। लेटर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस फोरम इन डिटेल। नेक्स्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कैन वी से इट इज अ राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर टू गेट एजुकेशन? इट इज अ राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर टू गेट एजुकेशन। हर एक कंज्यूमर का हक बनता है कि उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, बिकॉज जितना कंज्यूमर एजुकेटेड होगा उतना ही वो चीट कम होगा, उतना ही वो मार्केट में अवेयर होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज द कंपटीशन, व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई, उतना वो अवेयर होगा अगर वो एजुकेटेड है। वी कैन टेक द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ रूरल एरियाज कंज्यूमर एंड सिटी एरियाज कंज्यूमर। अगर रूरल एरियाज का हमने बैकवर्ड एरियाज ले लिया, उसमें एक कंज्यूमर है या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है विच आर अनएजुकेटेड, दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द मार्केट, तो ऑटोमेटिकली उधर के सेलर्स क्या कर सकते हैं? कंज्यूमर को आराम से चीट कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर दिया तो ऑफकोर्स वो कंज्यूमर क्या करेंगे?
विदाउट टेकिंग एनी एक्शन वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस पे करेंगे। बट इफ द सिटीज कंज्यूमर के साथ ऐसा अगर किया गया सो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स विल टेक अ एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर सेलर। व्हाई दे कैन टेक एक्शन, बिकॉज दे आर एजुकेटेड, बिकॉज दे आर अवेयर अबाउट द राइट्स विच आर देयर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट एजुकेशन। तो आज की डेट पे भी अगर हम देखेंगे मेनी बैकवर्ड एरियाज रूरल एरियाज के पास आज भी एजुकेशन नहीं है, दे आर अनअवेयर अबाउट देयर ओन राइट्स। सो अगेन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बी अवेयर अबाउट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू रिप्रेजेंट। यस, इफ वी टॉक अबाउट राइट टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करना मतलब क्या, इट इज द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू रिप्रेजेंट कंप्लेंट इन द फ्रंट ऑफ फोरम। हर एक कंज्यूमर को ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट के लॉयर्स को अपॉइंट करें, जो प्रोफेशनल लॉयर है उनको ही अपॉइंट करेंगे तो ही अपना कंप्लेंट रजिस्टर होगा, ऐसा नहीं है। वी कैन अपॉइंट ओन लॉयर्स एज वेल एज, यहाँ पे लॉयर का भी जरूरत नहीं है। हम एज अ कंज्यूमर उतना हमारे पास राइट है कि हम कोई भी कंप्लेंट खुद से जाके रजिस्टर कर सकते, इट इज अवर ओन राइट। इट इज नॉट नेसेसरी टू अपॉइंट अ प्रोफेशनल लॉयर एंड हम कंप्लेंट करें। नेक्स्ट थिंग, इवन एनजीओ इज ऑल्सो देयर जो हमारी कंप्लेंट्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें खुद को नॉलेज नहीं है कि हम कंप्लेंट कहाँ पे रजिस्टर करें, सो यस द एनजीओ आर देयर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर देयर जो हमें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अपने हमारे कंप्लेंट्स इन द फ्रंट ऑफ फोरम्स। सो अगेन राइट टू रिप्रेजेंट मतलब राइट टू रजिस्टर अवर ओन कंप्लेंट्स विद द हेल्प ऑफ एनजीओ, या हम खुद से भी कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू हेल्थी एनवायरमेंट। कैन वी से इट इज द राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर टू लिव इन हेल्थी सेफ एंड क्लीन एनवायरमेंट। इट इज द राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर टू लिव इन हेल्थी क्लीन एंड सेफ एनवायरमेंट। हर एक कंज्यूमर का हक बनता है कि उनको हेल्थी सेफ और क्लीन एनवायरमेंट में रहना चाहिए, ये उनका हक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वन इंडस्ट्रीज इज स्टार्टेड इन रेसिडेंशियल एरिया, अगर एक इंडस्ट्री शुरू हो गया रेसिडेंशियल एरिया में तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा। अभी दैट रेसिडेंशियल ग्रुप ऑफ पीपल कैन कंप्लेन टू दैट पर्टिकुलर ओनर विद द हेल्प ऑफ विच राइट, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। बट ये उनका राइट है, हर एक कंज्यूमर का राइट है कि उनको हेल्दी एनवायरमेंट में रहना चाहिए, ये उनका हक बनता है। जब तक ये राइट के बारे में हमें पता नहीं होगा तब तक हम कंप्लेन करेंगे, यस और नो, हम कंप्लेन नहीं करेंगे। सो इट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंज्यूमर टू गेट इन्फॉर्मेशन और टू गेट अवेयरनेस अबाउट व्हाट हेल्दी एनवायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था माल प्रैक्टिसेस के बारे में, सेम यहाँ पे हम इंक्लूड करना है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, जो भी चीटिंग किया जाता है बाय बिजनेसमैन और बाय सेलर्स एंड रिटेलर। What type of cheating? That is, for example, selling, mixing of product. Next thing, charging high prices. Next thing, we can say wrong measurements. ये सब practices जो perform किए जाते, कौन perform करता है? Sellers and businessmen perform करते। तो ये सबसे हमें क्या मिलना चाहिए? Protection मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। So क्या point लिखा है? Right to protect from unfair trade practices. It is our right to get protection from these practices. And at the last, right against spurious goods, ये भी हमने learn किया था, जो भी harmful products seller और businessman market करते हैं या sell out करते उससे हमें क्या मिलना चाहिए, protection मिलना चाहिए। कोई भी businessman को unsafe product market नहीं करना है, अगर ऐसा होता है तो it is again our right to take a action. बट उसके पहले हमें क्या बताना चाहिए, ये राइट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो इन शॉर्ट इफ वी कंक्लूड कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ब्रांचेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में नॉलेज ले सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस राइट्स, अगर हमें चीटिंग से बचना होगा। सो इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर बट इट इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर एज वेल टू गेट अवेयरनेस अबाउट ऑल दिस राइट्स। सो एक बार रिकैप लेंगे फास्ट। सो फर्स्ट वन, राइट टू सेफ्टी, इट इज द राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर टू गेट सेफ प्रोडक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन, इट इज द राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर
टू गेट कंप्लीट करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. राइट टू चॉइस, इट इज द राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर टू गेट सिलेक्शन ऑप्शन. इट इज द राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर टू कंप्लेन एज वेल एज टू गिव सजेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट क्वांटिटी क्वालिटी एंड ऑल. राइट टू रिड्रेस, रिड्रेस का मतलब क्या होगा, टू सॉल्व. इट इज द राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर टू गेट अ सोल्यूशन ऑफ द कंप्लेन विच इज रजिस्टर्ड. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इट इज द राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर टू गेट एजुकेशन और टू बी एजुकेटेड. राइट टू रिप्रेजेंट, इट इज द राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर टू रिप्रेजेंट ऑल द कंप्लेन्ट्स बाय देयर ओन सेल्फ एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ एनजीओ. राइट टू हेल्थी एनवायरमेंट, इट इज द राइट ऑफ एवरी कंज्यूमर टू लिव इन सेफ क्लीन एंड हेल्थी एनवायरमेंट. Right to protect from unfair trade practices, it is the right of every consumer to get protection from all unfair trade practices or malpractices which are performed by businessmen or traders. Right against spurious goods, it is the right of every consumer to get protection from all harmful products which are marketed by businessmen or traders. इस तरह से हमने complete किया है. आपका सेकेंड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दैट इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर. दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. जो आपको शॉर्ट नोट के लिए 100% आता है, सो यस स्टडी वेल एंड लेट मी नो कि आपको समझ में आया कि नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.